नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल को व्हाइटलिस्ट कैसे करवा सकते हैं ताकि आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम ना जाए। कॉपीराइट क्लेम जो होता है वो एसटी डिजिटल के थ्रू जाता है, तभी आप अपने चैनल को व्हाइटलिस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी और का कॉपीराइट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल को व्हाइटलिस्ट ना करवाएं, क्योंकि वो हमसे बिलोंग नहीं करता है। हमारा कॉपीराइट क्लेम तभी जाता है जब आपके चैनल का कुछ भी कंटेंट हमारे डैशबोर्ड पे सबमिट किया हुआ हो और वो अप्रूव्ड हो, उसके बाद ही कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पे जाता है। तो अगर आप अपने चैनल पे कॉपीराइट जाने से परेशान हैं तो उसे व्हाइटलिस्ट कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। चैनल को व्हाइटलिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड को ओपन करना होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन किया हुआ है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपने लेफ्ट साइड में आना होगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे में YouTube रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस YouTube रिक्वेस्ट के ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला है क्लेम लिस्ट का और दूसरा है व्हाइटलिस्ट रिक्वेस्ट का। यहाँ पे जो व्हाइटलिस्ट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी के माध्यम से आप अपने चैनल को व्हाइटलिस्ट कर सकते हैं ताकि आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम ना जाए। तो अब हमें क्या करना है, चैनल को व्हाइटलिस्ट करना है। व्हाइटलिस्ट करने के लिए हम इस व्हाइटलिस्ट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम व्हाइटलिस्ट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक नया टैब खुल जाता है जहां पे हमसे उस चैनल का लिंक मांगा जाता है जिसे हम व्हाइटलिस्ट करना चाहते हैं। तो चैनल को व्हाइटलिस्ट करने के लिए हमारे पास हमारे चैनल का लिंक होना चाहिए जो हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इस बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं। सिंपली अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिंक है, यानी हमारे पास एक से ज्यादा चैनल है व्हाइटलिस्ट करने के लिए, तो उसे कैसे सबमिट करेंगे, तो ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और दूसरे लिंक को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम दूसरे बॉक्स में उसे डाल देंगे। एक और लिंक है जो हमें व्हाइटलिस्ट करना है, तो उसके लिए फिर से हम प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और तीसरे लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो सबमिट का एक टैब दिया हुआ है उसे हमें क्लिक करना होता है, तभी जाके ये फाइनल सबमिट होता है। तो यहाँ पे हम सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए लिखता है ईमेल सेंड सक्सेसफुली, यानी कि जो टीम व्हाइटलिस्ट करती है उनके पास ये मेल भेज दिया गया है और अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपका जो चैनल है वो व्हाइटलिस्ट कर दिया जाएगा और इन फ्यूचर कभी भी आपके चैनल पे हमारी तरफ से किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से अपने चैनल को व्हाइटलिस्ट करना आ गया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोज को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी बात, एसटी डिजिटल परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और दुलार हमें देते रहें ताकि हम और भी तरक्की करें और आपके मदद के लिए हमेशा आगे रहें। धन्यवाद।